पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ऑपरेशन की जरूरत तो पड़ेगी और जल्द ही पड़ेगी। क्या है रिपोर्ट में? सीवियर ब्लॉकेज। देखिए हमारे ह्यूमन हार्ट में 3 मेन आर्टरीज होती हैं, जिसमें से ये जो 2 हैं इसमें 90% ब्लॉकेज दिखा रहा है और तीसरी में 70%। तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। वो दवाई से भी तो काम चल सकता है? जी नहीं, ऐसी कंडीशन में सर्जरी ही एकमात्र इलाज रह जाता है। तो मतलब बाईपास करना पड़ेगा? Well, इनकी एज को देखते हुए आई वुड नॉट एडवाइज ओपन हार्ट सर्जरी बिकॉज दैट विल बी टू रिस्की। हम लोग एंजियोप्लास्टी करेंगे। वो क्या है कि 90% ब्लॉकेजेस वाली जो 2 आर्टरीज हैं उसमें मैं एक स्टेंट डाल दूंगा। दैट विल बी सेफ एंड इफेक्टिव। इसमें डॉक्टर साहब मतलब कितना खर्चा पड़ जाएगा? यही कोई 7-8 लाख रुपया। 7-8 लाख? आपका मेडिक्लेम है ना? एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा आपका मेडिक्लेम है ना? एक छोटी सी मेडिक्लेम है, सिर्फ 2 लाख रुपए, और उसमें से भी 1,25,000 क्लेम कर चुका मैं। वो दादर की चौल गिर गई थी ना, तो एडमिट हुआ था मैं उस वक्त। फिर तो आपको अपने लेवल पे ही पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने देर कर दी सोच विचार करने में तो मुसीबत तो बढ़ेगी ही, खर्चा भी बढ़ेगा। आप चिंता मत कीजिए पापा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नहीं राजू नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाएंगे? आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पैसों की खातिर कोई अपनी जान दांव पर थोड़ी लगाता है पापा। बेटा बात पैसों की नहीं है। तो और किस चीज की बात है काका? आपको सिर्फ पैसे की फिक्र है, ना अपनी है ना हमारी। देखो विद्या, ऐसी बात नहीं। अब बोलो, इस उम्र में ऑपरेशन? बहुत सारे लोग कराते हैं पापा, स्टैटिस्टिक्स देखिए ना, ज्यादातर हार्ट सर्जरी 50+ 60+ लोगों में ही होती है। और मैं 75+ हूँ। हाँ तो क्या हुआ श्रीनिवास, ऑपरेशन के पहले क्यों हार माननी है? तुम लोग ना इमोशनल होके सोच रहे हो, प्रैक्टिकल होके सोचो। देखो एक बात समझ, जब अंत नजदीक होना छटपटाना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। किसने कहा आपसे कि आपका अंत नजदीक है? किसने कहा आपसे? कुछ भी मत बोलिए प्लीज। हर दूसरे परिवार में किसी ना किसी की हार्ट सर्जरी होती रहती है। माना 7-8 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आपके बेटे इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हम पैसे नहीं जुटा सकते। 7-8 लाख के अगर 50 लाख भी खड़े करने हो ना, तो मैं घर जेवर गाड़ी सब बेच दूं। बेटा मैं तुम लोगों के मनोभाव समझता हूं, लेकिन सिर्फ पैसों से अगर जान बच सकती है, कोई भी अमीर कभी मरता नहीं। बस बहुत हो गया, इस टॉपिक पर और डिस्कशन नहीं होगा। माना जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हम करेंगे। मैं अभी ऑपरेशन की डेट लेने डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। सुनो राजू। सर राजू बेटा, मुझे सुनो, इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए प्लीज। बात तो सुनो। ठीक है ठीक है, मैं ऑपरेशन करवा लूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार किसी दूसरे डॉक्टर से हम सेकंड ओपिनियन तो ले सकते हैं। सेकेंड ओपिनियन की गुंजाइश ही नहीं मिस्टर वागले। इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको सेकेंड ओपिनियन नहीं, ऑपरेशंस की डेट लेनी चाहिए।
यस यस डॉक्टर, ऑपरेशन की डेट हम लेने वाले, लेकिन पापा की उम्र को देखते हुए हमें लगा कि एक बार आपसे सेकंड ओपिनियन लिया जाए। देखिए, जितना ब्लॉकेज है उसके हिसाब से ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र के पेशेंट को इस ऑपरेशन के बाद बचने की कितनी परसेंटेज उम्मीद होती है? बस मैं आपका धर्म संकट समझ सकता हूँ सर। देखिए, आपके सवाल का सीधा और सच्चा जवाब ये है कि दवाई और ऑपरेशन उतना ही फायदा करेगा जितने पॉजिटिव माइंडसेट से आप ओटी के अंदर जाएंगे। देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन है, नर्वस होना स्वाभाविक है, पर मेरी राय मानिए तो जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएंगे तो इस विश्वास से जाना कि आप वहां से बिल्कुल ठीक होकर वापस आएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। इस सेकेंड ओपिनियन में जो सबसे कीमती चीज आप पापा को दे सकते थे वो आपने दी, वो है उम्मीद। थैंक यू। थैंक यू, गुड लक मिस्टर वागले। चलिए, पेशेंट का नाम श्रीनिवास वागले। हाँ जी, कब की डेट है? ओके, और एडमिट कब करना पड़ेगा? अच्छा, और पैसे कितने जमा करने पड़ेंगे? ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। क्यों? तीन दिन बाद की डेट मिल रही है ऑपरेशन की, लेकिन एडमिट एक दिन पहले करना पड़ेगा। मतलब परसों? और पहले कितने पैसे जमा करने को बोला है? वैसे तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट 80% तो जमा करने पड़ेंगे। राजू, मैं वो नहीं, उसकी टेंशन मत लो तुम। ओके, मैं ऑफिस से लोन ले लूंगा, दोस्त भी हैं और बैंक में भी कुछ पैसे पड़े। हमसे गलती हो गई। क्यों? हमने आशा, दिलीप, तिवारी जी सबका मेडिक्लेम निकलवाया और पापा का जो मेडिक्लेम है उसके पैसे इतने कम हैं, लेकिन उसको बढ़वाने के बारे में हमने सोचा तक नहीं रहा है। अब फिलहाल जो सिचुएशन हमारे सामने है उससे बेस्ट पॉसिबल वे में यू नो सुलझाने की कोशिश करते हैं। सखी, अथर्वा, क्या उनको बताने के बारे में सोच रहे हो? अगर मम्मी से बात छुपानी है तो बच्चों को बताना होगा। क्या हुआ? हम बैठो इधर। डैडी, एनीथिंग सीरियस? कुछ टेंशन वाली बात है? टेंशन वाली बात बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वी बोथ आर प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से मम्मा के कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त तुमने जो हिम्मत और मैच्योरिटी दिखाई, जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, खुद को संभाला, फैमिली को संभाला, दैट्स व्हाई वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन फिर एक बार उसी तरह की हिम्मत और मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। क्या क्या हुआ? मुझे नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बट दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ है दादाजी को? उनको हार्ट का इशू हुआ है, तो तीन दिन बाद उनके हार्ट की सर्जरी है। क्या? उस दिन तो उन्होंने मुझे बोला था, डॉक्टर ने कहा बेटा मुझे ना गैस्ट्रिक ट्रबल है, इसलिए तेल चिकनाई वगैरह सब खाने के लिए मना किया। बस इसका मतलब झूठ बोला उन्होंने मुझे? डैडी, दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ छोटे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, श्रीनिवास को ठीक होना पड़ेगा। देखो जाओ, तीन दिन बाद दादाजी का ऑपरेशन है और हमने ये डिसाइड किया है कि ये बात फिलहाल हम मम्मी को यानी कि दादी को नहीं बता रहे। ओके, एक बार ऑपरेशन हो जाए उसके बाद जाहिर सी बात है बताना ही पड़ेगा, बट एट द मोमेंट हम दादी जी को ये बात नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेस ना ले लें और उनकी तबीयत खराब ना हो जाए।
पर डैडी जब दादाजी हॉस्पिटल में होंगे तो हम दादी को क्या बताएंगे? कुछ स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है, बोल देंगे कि दोस्तों से मिलने गए हैं या दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ओके? लेकिन डैडी ये हार्ट सर्जरी का खर्चा बहुत होता है ना, तो पैसे वो कहाँ से मैनेज होंगे? You don't worry about that. वो हो जाएगा, हो जाएगा. लेकिन फिलहाल just focus on this कि दादी को पता ना चले, ठीक है? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।